स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक है बी सेकेंड सेम पीपीएस सब्जेक्ट है। उनका एक पार्ट था सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम। हमने लास्ट क्लास में इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि सर्चिंग किसको बोलते हैं। सर्चिंग आपका फर्दर दो टाइप में डिवाइड हुआ था, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जिसको हम सिक्वेंशियल इंटरवल बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं बाय डिवाइड इंटरवल, है ना। सिक्वेंशियल में आपका जो वैल्यू है लीनियर वे पे रहता है और नेक्स्ट वाले पे आपका रहता है कि आप दो हाफ करके कोई भी डेटा को दो हाफ करके उससे वैल्यू मिड वैल्यू से फिर बताएंगे कि आपको किस तरफ मूव ऑन होना है। देन हमने शॉर्टिंग का एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो था बबल शॉर्ट। अब हमारा ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो है शॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन शॉर्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि शॉर्टिंग क्या होता है। तो शॉर्टिंग कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिदम, और शॉर्टिंग एल्गोरिदम इज यूज टू रीअरेंज गिवन एरे और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली टू द कंपेरिजन ऑपरेटर। हम एक कंपेरिजन ऑपरेटर लेंगे। ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी लिस्ट को शॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको कंपेरिजन ऑपरेटर की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि विदाउट दैट आप कैसे कंपेयर करोगे एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ। जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे आपको सेकेंड आउटपुट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो उसमें हम शॉर्टिंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या यूज करते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और जो कंपेरिजन ऑपरेटर है वो डिसाइड करता है कि न्यू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर, या आप जो भी एरे यूज कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप जो मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज को यूज कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं। तो शॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली टू द कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली क्या डील करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सपोज मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, मे बी ऑफ साइज आप जितना लेना चाहें, 8, 9 वॉट एवर, ओके। तो वो आपके पास एरे दिया हुआ है, अब हमको उसको उसमें सिलेक्शन शॉर्ट अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन शॉर्ट का ये कहना है कि हमको उस एरे में से सबसे पहले छोटी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालनी है। सपोज मेरे पास एक एरे दिया है ना, जिसमें मैंने लिखा है 10, 14, ओके, देन 7, 21, 2, ओके, इस तरीके से मेरे पास एरे दिया है। तो अब इस एरे में मुझे क्या करना, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखने। तो यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2। तो मेरे को जो पहला आपका लोअर बाउंड है उससे क्या करना रहेगा, इसको इंटरचेंज करना रहेगा। तो वही बोल रहा है, सपोज एरे विथ एन एलिमेंट्स दिया हुआ है जिसमें आपकी वैल्यू है a1, a2, an इन दी मेमोरी। द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम फॉर शॉर्टिंग ए वर्क एज फॉलोज। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। सबसे छोटी वैल्यू को हमको लिस्ट में फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने के बाद क्या करना है, पुट इट इन द फर्स्ट पोजिशन। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो ये मेरा लोअर बाउंड हो गया, ये मेरा अपर बाउंड हो गया। तो अब मैं इनमें सर्च की कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मेरी 2 है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, पहला एक वैल्यू मिल जाएगा स्मॉलेस्ट। फिर हमको क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बट अब क्या है, पहले हम n एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे थे, अभी मेरे पास n मतलब मैं 5 एलिमेंट्स के साथ काम कर रही थी। अब मैं जब डेटा शॉर्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे 2 बचेगा, देन वी हैव 14, 7, 21, 10। अब ये वाला डेटा आपका स्मॉलेस्ट आपका सेव हो गया। अब मैं रेस्ट जो काम करूंगी वो किस में करूंगी, इसमें। मतलब पहले आप n एलिमेंट्स के साथ किए, अब आप n-1 एलिमेंट्स के साथ प्रोसेस करेंगे। तो मैं अब क्या करूंगी, देन वी हैव टू फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड पुट इट इन द सेकेंड पोजिशन। अब इसमें से सेकेंड एलिमेंट में देखूंगी, अब मैं क्या करूंगी, 14, 7, 7, 21, 10। अब इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट नेक्स्ट
टेस्ट ये है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को क्या करूंगी, इंटरचेंज करूंगी। तो इस तरीके से हमको ये पास को चलाना है। तो सपोज अगर मेरे पास एक एरे ए है विथ एलिमेंट्स ए वन ए टू अप टू ए एन इन द मेमोरी, तो पास वन हमको क्या बोलता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लोकेशन। हमको क्या करना है, लोकेशन जानना है किसका, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, है ना। जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इन आपका जो साइज है एरे का, उसमें जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका सबसे पहले हमको क्या करना है, लोकेशन निकालना है। तो सपोज ये जैसे ए वन ए टू अप टू ए एन है, देन वी हैव टू इंटरचेंज दैट वैल्यू। क्या करना है हमको, इंटरचेंज करना है। तो जो भी आपको डेटा मिलता है जिस लोकेशन में, उस लोकेशन से और आपकी पहली वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज होने के बाद आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, फर्स्ट वाले पार्ट में मिल जाएगी ए ऑफ वन में। तो आपका ए ऑफ वन क्या हो जाएगा, शॉर्टेड हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं पास टू की बात कर रही हूं, तो पास टू में क्या हो रहा है, हमको अगेन वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सब लिस्ट ऑफ एन माइनस वन एलिमेंट्स। इसके पहले हमने किया एन एलिमेंट्स, अब एक वैल्यू आपका क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया ए वन पोजिशन पे। तो अब हम किस में करेंगे, ए टू से लेके ए एन तक, ओके ए टू से लेके ए एन तक हम देखेंगे, उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू का लोकेशन रहेगा उसको क्या करेंगे, ए ऑफ टू से इंटरचेंज करेंगे। तो अब हमारे पास ए ऑफ वन और ए ऑफ टू क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। तो अब ये चीज भी गौर करना कि आपका जो पहला ए वन है वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ए ऑफ टू आपका क्या होगा, उससे ऑब्वियसली बड़ा होगा ए ऑफ वन से, ओके। देन हम पास थ्री की बात करते हैं, तो अगेन हमको लोकेशन करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सब लिस्ट। अब हो गया आपका, पहले n था, देन n माइनस वन था, अब आपका क्या हो गया, n माइनस टू एलिमेंट्स। तो इस तरीके से अब a ऑफ थ्री से आप स्टार्ट करेंगे डेटा लेना, a ऑफ थ्री से a ऑफ फोर से अब तक a ऑफ n तक। फिर हमको क्या करना रहेगा, इंटरचेंज करना रहेगा वैल्यू को a ऑफ थ्री के साथ, जो लोकेशन फाइंड होगा उसको। तो हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। अब हमारे पास a ऑफ वन, a ऑफ टू, a ऑफ थ्री, ये तीनों क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। ऑब्वियसली a ऑफ वन आपका स्मॉलेस्ट है, a ऑफ टू उससे ग्रेटर है। तो यहां पे आप ये चीज गौर करेंगे, सिंस a ऑफ टू इज स्मॉलर देन a ऑफ थ्री, और वी कैन से a ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन a ऑफ टू। इसी तरीके से हमारा कब तक पास चलेगा, ये चीज ऑब्जर्व करना है। सपोज अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, तो मैं पास कब तक चलाऊंगी, n माइनस वन एलिमेंट्स तक मैं अपना पास को कंटिन्यूसली चलाऊंगी, ओके। तो जब लास्ट एलिमेंट पे हम किसको देखेंगे, n माइनस वन और a ऑफ n के बीच में आपका क्या रहेगा, वैल्यू लोकेशन फाइंड होगी। जो भी स्मॉलेस्ट रहेगा वो पहले आ जाएगा, जो लार्जेस्ट रहेगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट को प्रोसेस करते हैं। सपोज अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, तो मैं n माइनस वन पास तक अपने डेटा को क्या करूंगी, शॉर्ट करूंगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एरे है, उसमें आपका क्या है, एट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब देखिए आप यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम को अप्लाई कर रही हूँ, ओके। अप्लाइंग द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम टू एरे ए इल्ड्स द डेटा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा, द लोकेशन जो है वो आपको किसका लोकेशन बता रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अमॉन्ग जो भी आपका गिवन एरे है उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू का लोकेशन बता रही है, ए के प्लस वन देन अप टू ए एन ड्यूरिंग द पास के। और जो सर्कल्ड एलिमेंट है वो इंडिकेट कर रहे हैं क्या, दैट टू बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एरे ए, उसमें आपके एट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो कितने लोकेशन, कौन से लोकेशन जो है, लोकेशन एल ओ सी लोकेशन बताएगा, के आपका पासिंग टर्म है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और जो सर्कल्ड एलिमेंट है वो आपको ये बताएंगे कि आपका वैल्यू कौन सा इंटरचेंज हो रहा है। तो अब इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, इस टेबल पे जब हम पास वन, जो आप देखिए यहाँ पे ये पास लिखा हुआ है और ये आपकी a ऑफ वन से लेके a ऑफ एट तक की वैल्यू, जब हम k पास वन ले रहे हैं, k
पास वन पे आपकी लोकेशन देखो कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट 11, तो ये फोर्थ लोकेशन में है। तो अब ए से आप इसको क्या करेंगे, ए ऑफ वन से इंटरचेंज करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए के ऑफ टू, अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी आपका क्या है, शॉर्टेड है। अब ए ये आपका एन माइनस वन एलिमेंट्स पे आप काम करेंगे, तो आपका नेक्स्ट वैल्यू था 33 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 22। ये लोकेशन के साथ आप फिर से वैल्यू इंटरचेंज करेंगे। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, प्रोसीजर चलता रहेगा। जब अब के पास आपका 3 आएगा तो आप देखो यहाँ पे 44 आपका थर्ड एलिमेंट है, जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 6 पोजीशन पे है ए ऑफ 6, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, अगेन आपकी इंटरचेंज होगी। इस तरीके से सब आप देखो 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और हमारा पास कब तक चला आपका 7, एन माइनस वन एलिमेंट्स तक आपका पास चला। तो इस तरीके से आपको लास्ट में जो सॉर्टेड डेटा मिला वो है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 और फिर आपका वैल्यू क्या मिला 88। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि आपका पास कैसे होगा, आपको वैल्यू कैसे इंटरचेंज करना है, कौन सा लोकेशन पे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है, वैल्यू कैसे इंटरचेंज हो रही है, और उसके बाद जो हम पासेस कर रहे हैं वो हर एक एलिमेंट मिल शॉर्ट होते गया तो उसको हम लीव करके एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इस तरीके से एलिमेंट्स के साथ आपके एरे को शॉर्ट कर रहे हैं। इसका हम चलिए एक देखते हैं क्या, इसका हमने एक लिखा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम देखिए आप यहाँ पे एक एल्गोरिदम है जो बेसिक कंसेप्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम देखते हैं। आपके ऊपर पे आएगा, इस एल्गोरिदम के ऊपर में आएगा हेडर फाइल्स। ओके, हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक यहाँ पे लिया है फंक्शन मिनिमम, MIN मिनिमम। मिनिमम आपका क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये वाला आपका क्या होगा, लूप चलेगा। और जो नेक्स्ट वाला जो लूप है ये आपको क्या, इंटरचेंज करने के लिए, वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए हम यूज करेंगे। ये वाला जो लूपिंग है वो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए है और ये जो वाला जो आपका मेन फंक्शन है वो आपका वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है इंट मिनिमम, एक फंक्शन का नाम है मिनिमम। एक मैंने एरे लिया है, यहाँ पे देखो एस्ट्रिक लगा हुआ है, पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर एरे। हमने एक लिया है लोअर बाउंड, एक लिया है अपर बाउंड। ओके, और उसके बाद आपका क्या है, ये मिनिमम फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल ले रही हूँ और सेट कर रही हूँ सेट मिनिमम इज इक्वल टू लोअर बाउंड। मैंने एक अजम्पशन लेके चाहिए कि मिनिमम इज इक्वल टू लोअर बाउंड। फिर अब मैंने एक लूप लगाया व्हाइल इज इक्वल टू, कब तक आपका लूप चलेगा, जब तक आपका लोअर बाउंड इज स्मॉलर आपके अपर बाउंड तक नहीं चल जाता। ओके, सपोज मेरे पास 8 एलिमेंट्स है तो फर्स्ट पोजीशन आपका लोअर बाउंड हो गया और 8th पोजीशन आपका अपर बाउंड हो गया, तो कब तक ये लूप चलेगा, जब तक आपका अपर बाउंड की वैल्यू नहीं आ जाती। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, अगर इफ एरे ऑफ लोअर बाउंड इज स्मॉलर देन एरे ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम इज इक्वल टू लोअर बाउंड। मैंने आपको बताया था कि वही बस वैल्यू आपको देखनी है कि पोजीशन की, जैसे 10, 14, 2 है ना, ये है तो ये आपका लोअर बाउंड है ना, ये आपका 7, ये आपका अपर बाउंड है। तो मेरे को क्या करना है, अब मैं इसको चेक करते जाऊंगी कि अब मिनिमम बाउंड मिल रहा है क्या, लोअर ये मिनिमम बाउंड, ये आपका अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड। अब इससे मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, अगर मिनिमम वैल्यू बनी तो उसको मैं क्या करूंगी, लोअर बाउंड पे सेट कर दूंगी और लोअर बाउंड को एक वैल्यू इंक्रीज करूंगी। तो यहाँ पे मिला, अब ये यहाँ पे हो गया, तो अब हमको क्या मिला, 2, देन आपका 14, देन आपका 10, देन आपका 7। तो अब ये मेरे को मिल गया, अब लोअर बाउंड प्लस 1 मतलब इधर चला गया। अब फिर इसमें वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा और यहाँ पे फिर रिटर्न मिनिमम में कर देंगे। बट उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन शॉर्ट, ये आपका मेन वॉइड, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एस्ट्रिक एरे, ये पॉइंटर एरे है जो आपको एड्रेस को डिनोट करेगा, जिस भी पोजीशन पे आपका वैल्यू मिल रहा है उस पोजीशन को एड्रेस करेगा और आपका वैल्यू फिर इंटरचेंज होगा। मैंने इस पे लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई कब तक चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस। तो अब मैंने सेट कर दिया, अब यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ मिनिमम फंक्शन को, तो यहां से मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू मिल गई मेरे को, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक
टेम्परेरी वेरिएबल ले रही हूँ जिसपे लोकेशन को रख रही हूँ, फिर एरो ऑफ लोकेशन पे वैल्यू को इंटरचेंज कर रही हूँ, फिर वो वैल्यू जो इंटरचेंज हुई उसको टेम्परेरी वेरिएबल पे। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, डेटा स्वैप हो रहा है। तो आई होप कि सेलेक्शन शॉर्ट कैसे काम करता है, कैसे उसको हम शॉर्ट करते हैं, एल्गो कैसे वर्क करता है, ये जो हम यहाँ पे ये लिए हैं फंक्शन वो कैसे काम करेगा, ये आप लोग को समझ में आया हो। हम नेक्स्ट क्लास में शॉर्टिंग का एक और पार्ट देखेंगे जिससे आपको डिफरेंट तब पता चले। थैंक यू।